हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ जो वीडियोस लेके आई हूँ यहाँ पर नवरात्रि के रिलेटेड लेके आई हूँ। आप नवरात्रि पे अगर जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हो उसके अकॉर्डिंग आप घर पे ही अपने लिए कुछ भी एसेसरीज वगैरह बना सकते हो। तो उनमें से कुछ आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एक हेयर एसेसरी बनाई है, ये आप भी यूज कर सकते हो। और अगर आपकी कोई घर में छोटी बहन या बेटी वगैरह जैसे है तो आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक रबड़ बैंड लेना है, और घर में ऊन तो सभी के मिल ही जाती है, तो मैंने यहाँ पे ऊन ली है। आप चाहो तो सिंगल कलर यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंट्रास्ट में आप अपने अकॉर्डिंग या ड्रेस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी चोटी बना लूंगी। और आपके पास जो भी सामान है ना, कवरी सेल, मोती, घुंघरू, जो कुछ भी सिक्के वगैरह, जैसे वो लटकन वाले सिक्के होते हैं, कुछ भी सामान अगर आपके पास है, जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसा ही यूज करना है, आप मल्टी क्रिएटिव इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैंने इसकी चोटी बनाई है, फिर एक लेयर के अंदर मैंने इस तरीके से कवरी शेल डाल दी है, क्योंकि ये मैंने किसी और के लिए बनाई थी, तो यहाँ पे उन्होंने कवरी शेल की ही बनवाई थी, तो इसलिए मैंने सारी कवरी शेल यूज की है। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद जितनी बनानी थी उतनी बड़ी बना लीजिए लेंथ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद नीचे की तरफ आप जिस तरीके से रिबन लगाते हैं बस वैसे इसको सिंपल सा टाई करके नोट को कट कर दीजिए। हमारे यहाँ पे देखिए एक बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद मेरे को चार बनानी थी टोटल, तो मैंने यहाँ पे देखिए बना दी थी। एक के अंदर मैंने अपनी मर्जी से दो घुंघरू डाल दिए थे, ताकि इसमें क्या होगा, इसमें काफी इसमें आवाज आ जाएगी। देखिए आपने सुनी होगी इसकी आवाज, ताकि इससे क्या होगा, दो घुंघरू डालने से इसकी आवाज काफी आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप पूरी चोटी करके रखते हो तब भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैंने बिना मिरर के लगाए थे इसलिए मुझे पता नहीं था कि टेढ़ा लग गया था मेरे खुद के ही। या फिर आप इस तरीके से आधी पौनी वाली चोटी जुड़ा बना के फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इसको जुड़े में भी सेट कर सकते हो, जिस तरीके से इसको बनाना चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें बनाना है नवरात्रि के लिए बेल्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ये फॉर्म शीट ली है, आप फॉर्म की शीट की जगह बुकरूम भी ले सकते हो, या आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो नीचे का बेस था ना, कलर ब्लैक कलर रखा है। अब यहाँ पर ये बांधने के लिए मैंने डोरी रखी है, तो एक बार तो मैं इसको फेविकॉल से इसके अंदर चिपका रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको ना निडल धागे से इसको टाइट कर लूंगी, ताकि अच्छे से ये मजबूत बन जाए। तो एक बार इसके अंदर मैंने सेट किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको फेविकॉल की हेल्प से इसके अंदर सेट कर दिया था। अब यहाँ पर पूरा ये जो भी हम ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े को पूरा अच्छे से सेट कर देंगे। दोनों तरफ से हमने डोरी भी लगा दी थी। अब हम लेंगे एक ही कार्डबोर्ड, आप यहाँ पर कार्डबोर्ड बुकरूम जो लेना चाहो वो ले सकते हो। उसको मैंने कवर किया है और सेंटर में एक मिरर लगाएंगे। अब मिरर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाहर थोड़ी सी बाउंड्री बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले व्हाइट कलर से ही बाउंड्री बना रही हूँ, क्योंकि बाकी मैंने पूरा मल्टी कलर यूज कर रही हूँ, तो अंदर की तरफ मैं कलर कोई लगाऊंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे इसके साथ व्हाइट कलर ही दे दिया था। तो यहाँ पे व्हाइट कलर देने के बाद इसके ऊपर साइड में जो मैं कवरी शेल लगाऊंगी वो यहाँ पे सारे मल्टी कलर के लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिरर से मैचिंग करते ही मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर से सेट कर दिया था। उसके बाद मैं इसी में भी कवरी शेल का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से कवरी शेल, आपके पास मिरर है तो आप मिरर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी नवरात्रि में कवरी शेल काफी ट्रेंड में है तो अच्छे भी लगते हैं मल्टी कलर में, इसलिए मैंने पूरा मल्टी कलर इसको बनाया है। अब सेंटर में इसको अलग से लगा देंगे। आप चाहो तो उसी बेल्ट पे भी आप ये प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेल्ट मेरा थोड़ा इसकी चौड़ाई कम थी, लेकिन जो फ्लावर था ना मेरा बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने अलग से कार्डबोर्ड लेके इसको बनाया था। उसके बाद कुछ दूरी पे मैंने इस तरीके से मिरर लगाए हैं और सेम वही प्रोसेस मैंने इसको की है, राउंड राउंड मैंने उनको घुमा दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें मल्टी कलर लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसके कलर चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो कॉमन कलर होते हैं मैंने वही यूज किए हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए एक साइड से तीन ये मिरर बड़े वाले लगाए हैं। अब बीच में हम यहाँ पर हैंगिंग लगाएंगे, तो तीन मैंने लटकन को रेडी किया है, बस नॉर्मल हमें सुई धागे के अंदर मोती को पिरो लिए थे और यहाँ पर हमारी लटकन बन के रेडी हो गई थी। फिर जो तीनों के धागे थे ना वो एक ही निडल के अंदर डाल लिए थे, ताकि तीनों एक साथ आ जाए। यहाँ मैं सिंगल सिंगल लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसको और भी हैवी कर सकते हो। अब बीच में मुझे खाली लग रहा था इसलिए छोटे मिरर लेके इनको भी मैं इस तरीके से कवर करके पूरा तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे मिरर को मैंने रेडी कर लिया है, और साइड में देखिए इस तरीके से जो ऊन मैंने ली थी उन्हें तीनों का मिक्सचर लेते हुए इस तरीके से मैंने लटकन को रेडी किया था, और यहाँ भी हमारा बेल्ट बन के हो गया रेडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ।
घर में बच्चों के इस तरीके के हेयर बैंड्स होते हैं, उनको आप नॉर्मल भी इस तरीके से तैयार करके दे सकते हो, या फिर अभी जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि के अकॉर्डिंग भी आप तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हेयर बैंड लिया है, उसके ऊपर मैं पूरे पे इस तरीके से कवरेज शेयर लगा दूंगी। हेयर बैंड को मैंने किसी से कवर नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन ये हेयर बैंड है, और अगर गंदा होगा भी, जैसे ये थोड़ा सा हेयर बैंड अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे इसका कवरेज शेयर लगाने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, एक मैंने पूरा व्हाइट बनाया है और एक पूरा मैंने इस तरीके से मल्टी कलर बनाया है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको कलर बना सकते हो, या फिर व्हाइट भी काफी अच्छा लगता है। तो इस नवरात्रि पे आप अपने लिए खुद से ही घर पे बनाइए, कि मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं। उसके बाद देखिए, फिर से कवर शेल, कुछ यहाँ पे बीड्स और यहाँ पे हुक्स वगैरह लेते हुए मैं आप छोटी सी एक आपके साथ यहाँ पर नेकलेस बना रही हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, आप अपने लिए भी बना के इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले एक जंप रिंग ली है और यहाँ पर इसको थ्रेड के अंदर टाई कर लिया है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से मोती डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहते हो आप वैसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले 5 मोती डाले हैं, उसके बाद एक कवर शेल डाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें पूरी एक लेयर बनानी है, 5 मोती और एक कवर शेल की। फिर दोनों साइड में अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो आप दोनों साइड क्या कर सकते हो, और एक्स्ट्रा मोती इसको करके बड़ा आप अपने साइज का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से सभी को डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पर लास्ट में हम इस तरीके से एक हुक डाल देंगे, ताकि हमें लॉक करने के लिए सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके का मेरे पास ये हुक था। कोई भी मेरी बेटी के माला वगैरह टूट जाती है ना, तो इसमें उस तरीके के हुक्स होते हैं, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ, ताकि दोबारा कभी मैं बनाऊं करूँ तो उसमें मुझे हुक काम में आ जाए। तो मैं इस तरीके से देखिए वेस्ट सामान से ही निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मैं इस तरीके से बना सकूं। नेक्स्ट, आप अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, तो मैंने इस तरीके की बैंगल्स बनाई थी इंडिपेंडेंस डे पे। तो इस तरीके की बैंगल्स भी आप ना बना सकते हो, अलग अलग कलर की, जिससे आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग बना के अपनी ड्रेस पे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो मर्जी चाहो कलर लगा लीजिए, बीच में आप देखिए कोई भी स्टोन्स कुंदन वगैरह लगा के इसको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। इसको किस तरीके से बनाया आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। देखिए कितनी प्यारी बेल्ट बनके रेडी हुई है, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से हमने डोरी में लटकन भी लगाई, ताकि इसका लुक और भी अच्छा आ जाए। तीनों कलर को मिक्स करके बना लिया। देखिए आप इस तरीके से यूज करेंगे ना इसको, आप इस तरीके से इसको बांध सकते हो पीछे की तरफ। कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी इस तरीके से नवरात्रि के लिए अपने, देखिए आप घर पे ही बेल्ट वगैरह बना सकते हो, मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आपको काफी महंगा मिलेगा ये। तो इसमें मैंने जैसे ये एक एक लटकन लगाई है, आप चाहो तो यहाँ पे हैवी लटकन बना के भी थ्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपको जैसे नेक में पहनने के लिए चाहिए, तो आप सेम यही डिजाइन इसमें, ये बड़ा चाहिए तो बड़े मिरर्स यूज कर लीजिए, छोटे मिरर यूज कर लीजिए, और लटकन दूर दूर लगे ना, बिल्कुल पास पास लटकन लगाते हुए आप इस तरीके से सेम डिजाइन में इस तरीके से देखिए नेक में बना सकते हो। तो दोनों पैटर्न मैंने आपको एक में बता दिए थे, आप चाहे नेक के लिए बनाए या कमर के लिए, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हमने फिर ये बनाया है, और ये मार्केट में आप लेने जाओगे ना, आपको 100 रुपीज से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैंने भी काफ़ी रेट देखी है इंस्टाग्राम पे, देखी थी ना 150, और जैसे जैसे इसकी लटकन हैवी हो रही थी वहाँ तो 500 से ऊपर ही जा रही थी इसकी रेट। तो मैं देखिए, आप इस तरीके से ऊन से बना सकते हो, और आपके पास जो भी कवर शाल नहीं है, तो आपके पास मोती वगैरह जो भी घर में यूज है ना, मोती वगैरह कुछ भी अलग अलग डाल लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ ही डालनी। देखिए आप इस तरीके से अपनी टोकरी में डाल के इसको इस तरीके से पहन सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो। और अगर आप जूड़ा बांधते हो इस तरीके से, तो आप जूड़े में लगा के और यहाँ पे एक दो लटकन को इस तरीके से करके आप लटकन को इस तरीके से हैंग कर सकते हो, इस तरीके से ये ऐसे भी हैंग करके रख सकते हो। और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, हेयर बैंड का भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने ये वाले हेयर बैंड्स बनाए, बिल्कुल सिंपल से बनाए थे, सिर्फ कवर शेल का यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किया। तो इसमें आप सेम यही लटकन इनका यूज कर सकते हो, ये अलग अलग दूर दूर पे देखिए इस तरीके से बांध लीजिए। जब आप बांध लेंगे ना, तो इसका जो शेप आएगा ना, मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से आएगा।
देखिए आपने जैसे ये लगाया, ये लगाने के बाद आपकी जो जितनी भी डोरी है ना इस तरीके से दूर दूर हो जाएगी, ये सारे हेयरबैंड में लगाने की से इस तरीके से पूरे बालों में खुली आ जाएगी दूर दूर। तो आप खुले बालों में भी इस तरीके से हेयरबैंड में यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से यूज़ करते हो आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपके साथ आइडिया शेयर की हैं, आप चाहे तो बच्चों के लिए भी सिंपल देखिए इस तरीके से हेयरबैंड रेडी कर सकते हो। ये वाले यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें भी इसके साथ ही आप ऐड कर दीजिए ताकि दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। अब आप पे जो अच्छा लगे आप उस पर यूज़ कर सकते हो। देखिए एक छोटा सा हमने नेकलेस भी बनाया है, मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है ये वाला। आप अपने अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहते हो तो इसे छोटा बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं भी आपको इस तरीके से पहन के बता रही हूँ। ये देखिए इसका लुक देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। आप इस तरीके से सिंपल सूट पे भी अपने लिए भी बना सकते हो, नवरात्रा पे पहनना चाहो नवरात्रा पे, या अपने लिए भी देखिए सूट पे बिल्कुल सिंपल सी इस तरीके से मल्टी कलर का आप बना सकते हो। तो आज के आइडियाज मेरे यहीं पूरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए नए नए आइडियाज लेके आती रहूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।